2-4 साल पहले भी माता को डायरेक्ट देखना किसी से नहीं होता था, क्योंकि वो इतनी शक्तिमान थी कि उनको देखने से आगे वाले का चित्त भ्रमित हो जाता था, पागल हो जाता था। आदिगुरु शंकराचार्य भी जब वहां आए तो माता 5 मिनट की देरी होगी और वो जो घड़ा बनाकर ले जाते मैं, उन्होंने वो दृश्य देखा और वहां देखती रह गई और उनको घड़ा बनाकर जाने में 5 मिनट की देरी हुई। जमदा की महामती जैसे ही रेणुका माता आई, उन्होंने पूछा कि तेरे को इतनी देरी क्यों हुई 5 मिनट की, तो वो कुछ नहीं कहते सर झुका दी। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने उस काम करा उस रति और जो नदी में गंधर्व, तो उसको देखते हुए रुक गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे शाप देता हूँ, तो उसको देखते हुए मेरे को पानी लेके आए, मैं उस घड़े को नहीं लेता, और अपने चारों बच्चों को बुलाया और कहा कि तुम्हारा माँ का शरीर काट दो, माँ का सर काट दो। ये बात कही तो सभी लोगों ने कहा कि कोई माँ की आत्मा माँ की हत्या करता है उसका उससे बड़ा पाप कोई नहीं। एक एक बेटा हट गया। लेकिन तभी परशुराम जी बाहर से आए, जमदग्नि ने कहा कि तेरी माँ का शरीर काट के ला दे। तो परशुराम जी ने कहा जैसी गुरु की आज्ञा, क्योंकि पिता को गुरु मानते थे वो, और वो गए। तो माता जब परशुराम तो काटेगा ही शरीर, जब उसको माता को लगा माता भागने लगी। भागते भागते वो गांव के बाहर आई जहाँ एक मछुआरे दंपति रहा करते थे। उस दंपति के घर में घुस गई और छुप कर बैठ गई। परशुराम को देखा और पता चला और कहा कि मेरी माँ तुम्हारे घर में छुपी हुई है और तुम मेरी माँ को मुझे दे दो, मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं मेरी माता का सर काट दूँ। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह, तू कोई ऋषि है, तुझे ऋषि कहने के लायक है, कोई माँ का सर काटा है क्या, बाप भी बोलता है तू भी काटता है, तेरे कोई है? तो परशुराम ने कहा गुरु की आज्ञा के सामने मैं कुछ मानता नहीं, अगर तुम मेरी माँ के सर को काटने के लिए रुकते हो तो मैं तुम्हारा सर काट के भी माँ का सर काटूंगा, बस मुझे गुरु आज्ञा माननी है और मुझे करना है। जब वे रोकने के लिए गए तो उन्होंने उस मछुआरे और मछुआरे के दोनों के सर काट दिया और माँ का सर काटा और गुरु के पास आ गया और कहा गुरु आज्ञा का मैंने पालन किया है, माँ का सर काटा है। जमदग्नि मामा बहुत प्रसन्न हो गए, बोले शिष्य या बेटा हो तो ऐसा हो, बोल तुझे क्या वर चाहिए। तो प्रशांत जी कहते हैं प्रभु नमस्कार करता हूँ, बेटे का नाम आप माँ की हत्या से हत्या बनकर न रह जाए, और आप इतने समर्थ हैं, आप जिसको काटने के लिए कहते हैं उसी का अधिकार वो ऋषि रखता है, अगर वो मारने का अधिकार रखता है तो जिंदा करने का भी अधिकार रखता है। मैं पहला बार ये मांगता हूँ कि मेरी माँ को बचा लो, मैं मेरी माँ को जिंदा देखना चाहता हूँ। जमदग्नि अपने पुत्र के और अपने शिष्य का यह एक युक्तिपूर्ण बात युक्तिपूर्ण कार्य को देखकर वो भी प्रसन्न हो गए और कहा कि मैं तुझे यह रसायन दे रहा हूँ, ये जाकर उस धड़ को और शरीर को लगा दे, तेरी माँ जिंदी हो जाएगी। प्रशांत जी भागते हुए आए, देखा वहां 3 सर और 3 धड़ लगे हुए थे, एक पुरुष का शरीर था, 2 स्त्रियों के शरीर थे। तो गलती ये हुई कि प्रशांत जी ने सर चिपकाते हुए उस मछुआरे की पत्नी को माँ का सर लगा दिया और मछुआरे के सर को मछुआरे के लेडी के सर को माता का सिर और माता के शरीर को उस मछुआरे के शरीर को लग गया। लेकिन वो लगाते ही जब जिंदा हो गई तो देखते क्या है कि नीचे का धड़ मछुआरे का है और शरीर सर माता का है। तब पूजनीय माता का शरीर हुआ, तब से जमदग्नि माँ का प्रभु मेरे से गलती हो गई। जमदग्नि ने कहा ये मेरा ही कार्य था, आज से केवल तेरे माता का मुख पूजा जाएगा और धड़ दूसरी जगह होगा। इस प्रकार जोगुलाम्बा में उनका धड़ है वो पूजा का स्थान अलमपुर में है और माता रेणुका का सर माहूर में है और वहाँ माता रेणुका की पूजा की जाती है। इस प्रकार रेणुका और जोगुलाम्बा का यह एक विचित्र कॉम्बिनेशन है, विचित्र स्थिति है, जिसको जमदग्नि महामुनि ने श्रेष्ठता के साथ करके बताया था। और यही कारण है कि माता के रेणुका माता के केवल स्तर की पूजा की जाती है, यही पूजा और यह विधान है। यह मैं गोल्डी के प्रश्न का उत्तर दे दिया। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। अब सभी लोग हम मिलकर आतिशबाजी उस्मानाबाद के साधकों ने लेके आई है, हम अपने हाल के सामने देखने के लिए वहां जाएंगे और उसको देख के आने के बाद आपका भोजन होगा, उसके बाद केक कट होगा, उसके बाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग समझाऊंगा रात के 12 बजे। अभी आप सभी लोग हाल के पास चले जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। हाल के सामने आतिशबाजी होगी। बाण संचा कलुस्तर गुरुजी, उत्सव उसे ही कहा जाता है जहां गाना हो, जहां भक्ति हो, जहां एक ईद का वातावरण हो, जहां अच्छे प्रसाद ग्रहण किया जाता हो, उसे उत्सव कहते हैं। और आज हम उस उत्सव को गुरुजी के जन्मदिन के महोत्सव को हम बना रहे हैं, हम वहां जन्मदिन के लिए वहां जाएंगे। आप सभी लोग हाल के सामने आ जाएं, सारे संबंध प्रयोग चले जाएंगे और आप चेतनावान बन जाएंगे। यही कारण था कि जब रावण कुंभकर्ण आदि सब लोग थक गए थे और हनुमान जी अपने दुम पर बैठकर अड़े होकर बैठे थे,
तब राम हनुमान जी को स्तंभित करना या बात उनको रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। राम वैसे तो हनुमान जी व्याकरण पंडित थे और रावण को अच्छी तरह समझा रहे थे कि रावण तू सीता को छोड़ दे, तूने जो कार्य किया अच्छा नहीं किया। रावण घमंड के साथ बात कर रहा था और उसके हर घमंड को चूर कर रहे थे हनुमान जी। जब मेघनाथ और किसी को भी ये नहीं रुके तब रावण ने कहा, मेघनाथ तू एक बार ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के हनुमान जी सुनेंगे नहीं, और उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी ने दो हाथ जोड़कर अपने आप को बांधते हुए स्तंभित कर दिया और कहा कि तुम रहे ब्रह्मास्त्र, तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम मुझे बांध दो। और जैसे ही हनुमान जी बंधे गए वो लोग बहुत खुश होने लगे। तो हनुमान जी कहते हैं, मेरे राम के परम दैवत ब्रह्मास्त्र, उस ब्रह्मास्त्र को तुमने छोड़ा है, मैं उसका बहुत ही मान करता हूँ और सम्मान के साथ उसे मैं स्वीकार करता हूँ। कहा कि लेकिन मैं नाम मेरे राम का नाम लूंगा तो इसे टूटने के लिए दो मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन मैं मान देकर कह रहा हूँ ये कार्य मेरे राम की इच्छा से हुआ है। और जैसे उनको बांध दिया गया उन्होंने अपने दम को आग लगाई और सारे रावण की लंका को जला दिया गया। ब्रह्मास्त्र का ऐसा प्रयोग है जब अपनी बुद्धि चंचल हो जाए, जब अपनी बुद्धि काम न करने लगे, जब हम अपने विचारों को बदलते या गुरु के ऊपर या कोई दुष्ट मार्ग में जा रहे हैं या हम खराब मार्ग में जा रहे हैं, तब हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें तो हम सही मार्ग में प्रयाण करते हैं, हमारी आध्यात्मिक चेतना ऊर्जा जागृत होती है, हम हमारे गुरु के प्रति समर्पित होते हैं। मैंने जैसा नारायणास्त्र प्रयोग आपको सुबह समझाया तो वह सारे भौतिकता को प्रदान करने वाला है, और ब्रह्मास्त्र प्रयोग अध्यात्म को, अपने शरीर को, मन बुद्धि और चित्त को स्थिर करने वाला और भगवान अध्यात्म की तरफ लगाने वाला और अपने को योग्य मार्ग पर चलाने वाले प्रयोग को ब्रह्मास्त्र प्रयोग कहा गया। उस प्रयोग को पहली बार नाथ सांप्रदाय के विधान में, ब्रह्मास्त्र प्रयोग वैदिक अलग है, पौराणिक अलग है और नाथ सांप्रदाय वाला अलग है। मैंने जैसा आपको बतलाया, वेद में ये कहा गया है कि बीज लगाओ पेड़ उगेगा, पेड़ को पानी डालो पालो, फूल हो गए फल हो गए उस फल को तोड़ के खाओ। लेकिन नाथ सांप्रदाय ऐसा नहीं करता, फल का झाड़ लगा हुआ है चलो फल तोड़ो। और ब्रह्मास्त्र प्रयोग इसमें नाथ सांप्रदाय में जो मैं आपको कल दे रहा हूँ, आप जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर अन्याय हो रहा है केवल इस मंत्र को बोलो, पांच बार बोल कर देखो, आगे आपके सामने न शत्रु टिकेगा और शत्रु चाहे देवता तुल्य क्यों ना हो। इसी प्रकार नाथ सांप्रदाय के लोगों ने हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी को इस ब्रह्मास्त्र प्रयोग से बांध दिया था, क्योंकि वो जब अन्याय करते थे अपने गुरु को, जब गलत मार्ग पर जाने के लिए देख रहे थे और गोरखनाथ अपने गुरु को छुड़ाने के लिए लाए और हनुमान जी रोकने के प्रयत्न कर रहे थे, रामचंद्र जी रोकने को प्रयत्न कर रहे थे, तो गोरखनाथ जी ने कहा मेरे गुरु को छुड़ाने के लिए चाहे ब्रह्मांड भी उतर के आए मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। और उनके सामने हनुमान जी को रामचंद्र जी को झुकना पड़ा और वे अपने गुरु को लेकर वहां से चले गए। जब अन्याय हो तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हमारे जीवन में एक योग्य प्रयोग कहलाया जाता है, और ऐसा प्रयोग गुरु जब अपने ऊपर प्रसन्न होता है तभी दिया जाता है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं इसको कल सुबह आपको 6 से 7 बजे के बीच में इस प्रयोग को आपको समझाने यहाँ आऊंगा। जो ये प्रयोग करना चाहते हैं अभी आपके सामने जो नारियल रखा हुआ है उसके सामने ओम ब्रह्म ब्रह्मांड अवय निम निखिल अवय नमः इस मंत्र का एक माला कर देते सो जाइए और सुबह आप यहाँ आइए। आपके साथ नारियल के साथ साथ 5 सफेद फूल या 5 बिलोपत्र होने जरूरी है। मैं सुबह आकर इस मंत्र को जपाऊंगा, उससे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 16 माला गुरु मंत्र जप की करें। ब्रह्मास्त्र प्रयोग को समझाऊंगा कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो, अगर ये आप चाहते हैं तो इस ब्रह्मास्त्र प्रयोग को करें। एक बार जय घोष करेंगे, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी को पुनः परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। उनका जन्मदिन हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। आज जो भी इच्छा आप गुरु जी के सामने करेंगे वह इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जन्मदिन पर वह आचार्य, वह देव, वह भगवता, वह भगवानी सब लोग अपने साधकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही जन्मदिन जन्म लेकर यहाँ आते हैं, और उनका जन्मदिन मनाने वाले उसे उत्सव को मनाने वालों के लिए वो लोग तो प्रत्यक्ष विशेषतः वे साधक कहलाते हैं। आपकी इच्छा गुरु जी के सामने व्यक्त करो और आपकी इच्छा पूर्ण होगी, उसके साथ साथ एक मंत्र माला करके सो जाओ, कल सुबह 6 बजे पुनः यहाँ दर्शन होगा। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की।